गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत करता हूँ ईएडी ऑनलाइन में आप सबका, जहां पर हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है बेटा अवेलेबल एनर्जी। तो सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे जल्दी से, और सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए ताकि क्लास को हम आगे बढ़ा सकें। ओके, अवेलेबल एनर्जी पढ़ रहे हैं बेटा हम आजकल, और इसमें हमने एक ही क्लास ली अभी तक जिसमें हमने दो चीजें देख ली थी। सबसे पहले हमने ये समझ लिया था बेटा कि व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है बेटा? आपको पता है कि एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, पहला वो पार्ट जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा वो पार्ट जो कि सिंक में रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने हीट इंजन का एग्जाम्पल लिया था कि जब Q1 हीट हम सोर्स से एब्जॉर्व करते हैं हीट इंजन के द्वारा, तो उसका कुछ हिस्सा नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा सिंक में आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हिस्सा हीट का वर्क में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेलेबल एनर्जी। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्टेट? क्या होती है डेड स्टेट? मैंने बताया था कि जब सिस्टम की जो आपकी बेटा और सराउंडिंग की सॉरी सिस्टम और सराउंडिंग जो है बेटा वो आपके इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वर्क डिलीवर होना या वर्क कंज्यूम होना बंद हो जाता है। ठीक है, इसी स्टेट को डेड स्टेट कहते हैं। अब जनरली ये माना जाता है कि जो डेड स्टेट होती है वो एटमोस्फेयर वाली कंडीशंस होती है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग एट एटमोस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब किसी हायर स्टेट से एटमोस्फेयर तक की स्टेट तक कोई सिस्टम आएगा तब तक तो वर्क मिलेगा, लेकिन जैसे ही डेड स्टेट पर पहुंचेगा तब वर्क मिलना बंद हो जाएगा, तब वर्क मिलना बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहां से फिर हमने एक कंसेप्ट देखा था, कि भैया कि जो एटमॉस्फेयर है वही सबसे ज्यादा सुटेबल है, वही सबसे ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर है डेड स्टेट मानने के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे जल्दी से और क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग संजीत, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, ठीक। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो टी एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो हमारा जो सिंक का टेम्परेचर है वो इससे छोटा हो अगर है तो ज्यादा वर्क मिलेगा, अगर वो इसके बराबर है तो सॉरी अगर हमारा जो सिंक का टेम्परेचर, मान लीजिए सिंक का टेम्परेचर हमारा T2 है, तो अगर ये बड़ा है टी एटमॉस्फेयर, ठीक है, तब भी वर्क मिलेगा। और अगर टेम्परेचर सिंक का जो बराबर है टी एटमॉस्फेयर, तब भी कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा। और जब T2 इज लेस देन है टी एटमॉस्फेयर, तब भी वर्क मिलेगा। लेकिन याद रखना, यहां मिलने वाला वर्क सबसे ज्यादा होगा, यहां मिलने वाला वर्क सबसे कम होगा। ठीक है, पिछली क्लास देखते चलिए बेटा, पिछली क्लास आप नहीं अगर देख रहे हैं तो पिछली क्लासेस को देखिए, पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी क्या है, इसके बारे में एक कंसेप्ट आपको मिल गया कि वो एनर्जी का वो हिस्सा जिसे आप वर्क में, किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। अब हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसके लिए मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं, अभी ध्यान से देखना, दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी सिस्टम पीवी। मान लीजिए सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, तो वो यहां से आया यहां तक, मान लीजिए दिस इज द डेड स्टेट, ये आपकी डेड स्टेट,
अब डेड स्टेट का क्या मतलब हुआ, एटमोस्फेरिक कंडीशन, जनरली एटमोस्फेरिक की यहां पर जो आपका टेम्परेचर है T2 वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर है, P2 जो है वो एटमोस्फेरिक यानी कि प्रेशर जो है P2 वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर इस स्टेट पर, एंड दिस इज योर इनिशियल स्टेट, दिस इज योर इनिशियल स्टेट P1 T1 इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक, समझ रहे हैं, इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक ये जो एनर्जी होती है यहां से यहां तक जो आपको वर्क मिलता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। यानी कि जब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक आएगा तो कितनी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी होगी, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट, इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट। आपको पता है कि इनपुट ही एनर्जी का, इनपुट एनर्जी का कुछ ही हिस्सा वर्क में बदलेगा। अब वो बेटा इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक अगर मैं माप लूं, मेजर कर लूं, तो वो कहलाता है मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। क्या कहलाता है? मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम, दिस एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट, इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट, करेक्ट, इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट। ओके, यानी कि हम इनिशियल स्टेट से किसी और स्टेट तक भी, किसी और स्टेट तक भी हम माप सकते हैं बेटा क्या, अपना अवेलेबल एनर्जी। मान लीजिए आप यहां से सिर्फ यहां तक मेजर करते हैं, यहां से यहां तक ये मेजर करते हैं, तो दिस विल बी अवेलेबल एनर्जी। ये आपकी मैक्सिमम अवेलेबल नहीं होगी, मैक्सिमम तो आपकी ये ही होगी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी आपकी यहां पर ही दिखाई देगी, यहां से यहां तक, दिस इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। जब इनिशियल से डेड तक मापेंगे, जब इनिशियल से किसी और पॉइंट तक नापेंगे तो वो सिंपली अवेलेबल एनर्जी, और जब इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक हम मेजर करेंगे वो क्या होगी आपका, सिंपली वो कहलाएगी आपकी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। ओके, तो ये जो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है बच्चों, इसी को एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं, एक वर्ड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा, इसी चीज को एक्सर्जी, एक्सर्जी ये याद रखना बेटा, इसे क्या कहते हैं हम, एक्सर्जी, एक्सर्जी कहते हैं। ओके, ठीक है, एक्सर्जी भी कहते हैं। तो एक्सर्जी जो होती है अवेलेबल एनर्जी, लेकिन जब वो मैक्सिमम हो, तो अवेलेबल एनर्जी जो होती है उसे हम एक्सर्जी नहीं कहते, जब तक अवेलेबल एनर्जी को हमने मैक्सिमम फॉर्म में नहीं मेजर किया तब तक उसे एक्सर्जी नहीं कहते, उसे एक्सर्जी नहीं कहते। बी केयरफुल, कभी आप समझो कि सर इसे हम हर अवेलेबल एनर्जी को हम क्या कह देंगे, हर अवेलेबल एनर्जी को हम एक्सर्जी कह सकते हैं, नहीं, सिर्फ मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को ही हम एक्सर्जी कह सकते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि जो इनपुट हीट है, एनर्जी है, आपको याद है ना बेटा, किसी भी हीट इंजन के लिए Q1 बराबर क्या होता है, W प्लस Q2, है ना, हाँ, ध्यान से देखेंगे जो मैं बताऊंगा। अब आपको यह पता चल गया कि किसी भी सप्लाइड हीट जो कि Q1 है उसके दो हिस्से हैं, ये तो पता भी है आपको, उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो आपका अवेलेबल एनर्जी और एक बेटा रिजेक्टेड एनर्जी या वो एनर्जी जो अवेलेबल नहीं है। तो जब ये W Q1 में से जब ये W मैक्सिमम हो, नोटिस कर लेना मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, और प्लस Q2 यानी कि जब किसी अवेलेबल, जब किसी सप्लाइड Q1 में से, जब Q1 एनर्जी जो आपने सप्लाई करी उसका, उसमें से मैक्सिमम वर्क आपको मिला हो प्लस रिजेक्टेड ये हो, तो बेटा ये मैक्सिमम वर्क क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बेटा आपका एक्सर्जी, एक्सर्जी यही कहलाएगा आपका एक्सर्जी, आपको ये याद रखना है, ठीक है।
आपको ये याद रखना है, क्या कहलाएगा ये मैक्सिमम वर्क, एक्सर्जी। क्लियर? ओके एक मिनट बेटा थोड़ा सा, एक्सर्जी ठीक है, यही कहलाएगा आपका एक्सर्जी। और जो अवेलेबल नहीं थी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि सप्लाइड हीट का जो ज्यादा से ज्यादा आप वर्क ले लेंगे तो उसे एक्सर्जी कहेंगे, और वो हिस्सा जो अवेलेबल नहीं है किसी हालत में भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी बेटा ध्यान से देख लीजिए इन दोनों टर्म को, क्या बता रहा हूं मैं, एक्सर्जी डब्ल्यू मैक्सिमम, जब किसी सप्लाइड हीट में से मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप ले लेंगे, या कहूं मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी जिसे कन्वर्ट किया जा सके, दिस एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू डेड स्टेट। बेटा यहां से डेड स्टेट तक जो भी वर्क मिलेगा आपको दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इनिशियल से ऊपर आप कभी थे नहीं और डेड स्टेट से नीचे आपका यूजफुल वर्क नहीं मिल सकता। ओके तो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को हम कहेंगे एक्सर्जी, और जो बची मैक्सिमम के बाद जो एनर्जी नहीं हो पाई कन्वर्ट वर्क में, उसे हम कहेंगे एनर्जी। ये कंसेप्ट देख लीजिए बेटा, ये शायद बुक में भी आपको, बहुत सी बुक में आपको ना मिले। ओके ठीक है, ओके ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया है। ओके इसे मैं साफ कर रहा हूं बेटा, डोंट वरी। यहां से बेटा आपका यही पूछा जाएगा कि जब सप्लाइड हीट में से मैक्सिमम वर्क आपने कन्वर्ट कर लिया तो बताइए बची हुई एनर्जी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एनर्जी। एनर्जी ठीक है, ओके एनर्जी ठीक है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ कंसेप्ट। देखिए अगेन दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया पीवी डायग्राम करेक्ट, और मैंने मान लिया दिस इज पी दिस इज वी, मैंने मान लिया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ओ पी ओ ठीक है, दिस इज माय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ओ। नाउ दिस इज माय कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन टी ओ, ये मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है टी ओ। तो पी ओ और टी ओ जो है आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई ठीक है, तो ये दोनों कहां मिल रही है यहां पर, तो दिस इज डेड स्टेट, दिस इज डेड स्टेट, ये आपकी डेड स्टेट है, ये आपकी डेड स्टेट है। इसी तरीके से बेटा टीएस डायग्राम पे भी हम देख सकते हैं, दिस इज टी दिस इज एंट्रोपी एस, ये जो मेरा टेम्परेचर है मान लीजिए टी ओ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, और ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है पी ओ। तो ये जो स्टेट होगी बेटा ये होगी आपकी डेड स्टेट, डेड स्टेट करेक्ट। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस यहां है, कोई प्रोसेस की इनिशियल स्टेट यहां है और फाइनल स्टेट यहां है ठीक है, किसी भी प्रोसेस की इनिशियल स्टेट यहां है फाइनल स्टेट यहां, यहां मान लीजिए बेटा इनिशियल स्टेट यहां है फाइनल स्टेट यहां करेक्ट। तो भैया जी ये जो आपका, ये जो आपका यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, ये इसे हम कहते हैं एक्सर्जी, क्योंकि इनिशियल से फाइनल तक की बेटा जो स्टेट के बीच को अगर हम मेजर कर लें पीडीवी वर्क, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपका एक्सर्जी। इसी तरीके से यहां पे, यहां से यहां तक की ये होगी आपकी एक्सर्जी ठीक है। तो आपको इनिशियल से डेड स्टेट तक जब आप मापेंगे तो उसे आप बेटा यूजफुल एनर्जी नहीं लिखोगे, आप उसे यूजफुल एनर्जी नहीं, उसे आप लिखेंगे, उसे आप देखिए जब आप इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक मेजर करेंगे एनर्जी, तो उसे आप अवेलेबल एनर्जी मत लिखना, उसे एक्सर्जी लिखना, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो सकता कन्वर्जन, उससे ज्यादा यूजफुल जो एनर्जी है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, एट डेड स्टेट, एट डेड स्टेट, डेड स्टेट पर जो एक्सर्जी होती है, एक्सर्जी
दैट विल बी जीरो, यानी कि डेड स्टेट पर मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी कितनी होगी? जीरो. कितनी होगी? जीरो. ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ओके ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सर्जी को बेटा डेफिनेशन की फॉर्म में याद करना ज्यादा अच्छा है. ठीक है, एक्सर्जी को डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या मतलब? आपका मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी इज नोन एज एक्सर्जी. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजफुल वर्क. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूजफुल वर्क. यूजफुल वर्क जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यूजफुल वर्क. अब बेटा यूजफुल वर्क क्या होता है बेटा? वही मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी. ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को ही यूजफुल वर्क कहते हैं. मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को ही यूजफुल वर्क कहते हैं. ठीक है, अब इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी होंगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझेंगे. तो सबसे पहली जो टर्म है, सबसे पहली जो टर्म है वो मैं समझाता हूं आपको. रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? रिवर्सिबल वर्क. ठीक है, देखिए बेटा, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट जो कि वर्क में कन्वर्ट हो जाए, मैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? यूजफुल वर्क. ठीक है, यूजफुल वर्क ये होता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज रिवर्सिबल वर्क. रिवर्सिबल वर्क वो होता है जहां पर वर्क मिलता है तब जब कोई इररिवर्सिबिलिटी नहीं होती. ठीक है, जब इररिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसे हम डब्ल्यू रिवर्सिबल कहेंगे. इस पूरे टॉपिक के दौरान डब्ल्यू रिवर्सिबल कहेंगे और कहेंगे वर्क विदाउट एनी इररिवर्सिबिलिटी. वर्क विदाउट एनी इररिवर्सिबिलिटी. ठीक है, जब बिना किसी इररिवर्सिबिलिटी की उपस्थिति में आपको वर्क मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल वर्क. जाहिर सी बात है, जब कोई इररिवर्सिबिलिटी है ही नहीं तो वर्क जो मिलेगा वो रिवर्सिबल वर्क ही मिलेगा, वो रिवर्सिबल वर्क ही मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे नेट, उसके बाद हम निकालेंगे नेट रिवर्सिबल वर्क, नेट रिवर्सिबल वर्क. ठीक है, फॉर ए साइकिल. साइकिल आप समझते ही हैं, फॉर ए साइकिल, जैसे कि हीट इंजन का एग्जांपल होता है. ठीक है, तो वो सिंपल आपको पता है वो क्या होता है, हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड यानी कि Q1, हीट इंजन का केस ले लो Q1 माइनस हीट रिजेक्टेड. माइनस हीट रिजेक्टेड. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे कह सकता हूं Q1 माइनस Q2. करेक्ट, ओके. ये दो चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, एक तो रिवर्सिबल वर्क क्या होगा और एक नेट रिवर्सिबल वर्क इन ए साइकिल क्या होगा. ठीक है, ओके. अब एक एग्जांपल लेके चलूंगा बेटा मैं, जिससे हम इस कंसेप्ट को समझेंगे. आई होप आपके ये तो समझ में आ गए. बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं. जितना लिखवा रहा हूं बेटा इतना मोर देन एनफ है. ओके ओके, ज्यादा इसके पीछे, इस टॉपिक के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है. जितना लिखवा रहा हूं मोर देन एनफ है बेटा, मोर देन. अब हम देखेंगे बेटा, एक क्लोज सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम एक क्लोज्ड सिस्टम. बेटा यहां से थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी का क्वेश्चन जो है बेटा, जो आएगा वो तो मैं कवर करा ही दूंगा लिखवाने में. मैं थ्योरी पूरी डीपली नहीं लिखवा. लेट अस अज्यूम एक क्लोज सिस्टम मान लीजिए. क्लोज सिस्टम कैसे मान लीजिए बेटा? ये एक सिलेंडर है और ये इसके अंदर यहां पर पिस्टन है. दिस इज द पिस्टन. ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है बेटा, इसे इंसुलेट किया गया है.
इससे सिलेंडर को इंसुलेट किया गया। इंसुलेट का मतलब क्या हुआ बेटा, इंसुलेट का मतलब यह हुआ कि यहां से बेटा ना तो कोई हीट अंदर आ सकती है और ना ही कोई हीट बाहर जा सकती है। ना तो सिस्टम से बाहर आएगी हीट, कोई ट्रांसफर होगा, ना ही अंदर से बाहर कोई होगा। तो पहली कंडीशन तो यह हो गई। दूसरी है कि मान लिया मैंने कि दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन में मेरा प्रेशर पी वन है और वॉल्यूम वी वन है। समझना, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, समझने वाली बात है बेटा। प्रेशर इनिशियल कितना है, पी वन, और वॉल्यूम वी वन है। मैंने मान लिया बेटा पिस्टन के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो इस पिस्टन पर ऐसे प्रभाव डाल रहा होगा, पी एटमोस्फेरिक, करेक्ट, पी एटमोस्फेरिक। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया है पी एटमोस्फेरिक, करेक्ट। अब क्या होता है भैया, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन जब एक्सपेंशन होगा तो इस क्लोज सिस्टम में ये जो पिस्टन है ये आपका मान लीजिए यहां आ गया। मैंने मान लिया मेरा पिस्टन यहां आ गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हुआ, सिलेंडर अब भी इंसुलेटेड है, कोई हीट अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, ये याद रखिए, ठीक है। ये इंसुलेटेड है अभी, वेल इंसुलेटेड है, ओके। नाउ मैंने मान लिया कि अब मेरी जो कंडीशन है, जो स्टेट है, वो पी वन वी वन से पी टू वी टू हो गई, पी टू वी टू हो गई, ठीक है। यहां पर अब भी एटमोस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, पी एटीएम, ये करता ही रहेगा, ठीक है, करता ही रहेगा। तो अब आप देखेंगे बेटा कि पी वन इज लेस देन हो गया पी टू से और वी टू ग्रेटर हो गया वी वन से, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज स्टेट वन एंड दिस इज स्टेट टू, ओके, स्टेट वन एंड स्टेट टू। अब देखिए बेटा, हम मान लेते हैं नो फ्रिक्शन, कि इस पूरे सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन नहीं देखा गया, नो फ्रिक्शन। तो जब कोई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो कि एक रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हीट लॉस भी नहीं हो रहा है। तो जब हीट लॉस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो बेटा ये प्रोसेस बन गया एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं ऐसे मान लेता हूं, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज ए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन गया अपने आप, करेक्ट, क्योंकि ना तो फ्रिक्शन है कोई और ना ही कोई हीट लॉस हो रहा है, ओके। नाउ अब क्या होगा कि जब एक्सपेंशन होगा तो बेटा एक्सपेंशन वर्क मिलेगा सिस्टम द्वारा, एक्सपेंशन वर्क मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा, ठीक है, एक्सपेंशन वर्क। और वो जो एक्सपेंशन वर्क होगा वो भैया सीधा सीधा रिवर्सिबल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल वर्क। तो यहां पर दो टाइप के वर्क मिलेंगे, पहला वर्क मिलेगा बेटा एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क जो बराबर होगा वर्क रिवर्सिबल के, जो बराबर होगा आपका वर्क रिवर्सिबल के, यानी कि रिवर्सिबल वर्क होगा वो एक्सपेंशन वर्क, ठीक है, ओके। अब एक और वर्क मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा, जब पिस्टन आपका एक्सपेंड होकर ऊपर जाएगा तो वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा, करेगा या नहीं। तो जितना वर्क आपको मिलना चाहिए था एक्चुअली एक्सपेंशन से, उतना नहीं मिलेगा। तो जितना वर्क मिलना चाहिए था उसका कुछ हिस्सा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, इस पिस्टन को ऊपर पुश करने में, इसके अगेंस्ट ही तो, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विरोध, विरोध करेगा, रजिस्ट करेगा, इसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे है और पिस्टन मेरा ऊपर है। तो क्या होगा बेटा, जितना आपको रिवर्सिबल वर्क या एक्सपेंशन वर्क मिलना था उसका कुछ हिस्सा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन को ऊपर करने में खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ओके। तो मैं यहां लिख देता हूं और कौन सा वर्क मिलेगा, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के दौरान सम ऑफ रिवर्सिबल वर्क, कुछ हिस्सा सम ऑफ रिवर्सिबल वर्क विल एक्सपेंड
विल एक्सपेंस अगेंस्ट विल एक्सपेंस टू मूव पिस्टन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो रिवर्सिबल वर्क है उसका कुछ हिस्सा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन को मूव कराने में हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया बेटा कि जो पी एटमॉस्फेरिक है उसे मैं पी ओ मान लेता हूं और जो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम है उसे मैं वी ओ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? वी ओ मान लेता हूं, करेक्ट। ठीक है, या चलिए एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे छोड़। ओके, अब देखिए बेटा, जब पिस्टन अपनी इस पोजीशन से मूव होकर इस पोजीशन पर आएगा तो सराउंडिंग का जो वॉल्यूम है वो बेटा चेंज होगा, सराउंडिंग का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, और वो कितना अमाउंट होगा चेंज होने वाला? वो होगा बेटा v2 माइनस v1, यानी कि जितना वॉल्यूम इसका था पहले, जितना वॉल्यूम इसका अब हो गया, उसमें से अगर ये घटा दूं तो आप ये कह सकते हैं कि इतना वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ा, v2 माइनस v1 जो आपका वॉल्यूम है वो उतना सिस्टम का बढ़ेगा, लेकिन इतना ही वॉल्यूम जो है बेटा सराउंडिंग का घटेगा या नहीं? है ना, घटेगा या नहीं? अगर मैं क्या कहूं, ध्यान से सुनिए, सिस्टम का वॉल्यूम v1 से v2 हो गया तो बेटा कितना वॉल्यूम बढ़ा एक्सपेंशन के दौरान, तो आपका आंसर होगा v2 माइनस v1। तो ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए है कि इतना वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन सराउंडिंग का इतना वॉल्यूम घट जाएगा v2 माइनस v1, करेक्ट। यानी कि v1 पोजीशन पर जितना सराउंडिंग का वॉल्यूम था अब वो घटकर बेटा, वो जब एक्सपेंशन होगा तो जब वॉल्यूम v2 हो जाएगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो कितना घटा? v2 माइनस v1। तो बेटा एक यहां पर वर्क किया जाएगा, यहां पर एक वर्क होगा, ये मैं साफ कर रहा हूं, यहां पर एक वर्क होगा, हां यहां पर एक वर्क होगा बेटा, उसे हम कहेंगे w सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग पर कितना वर्क किया गया, है ना। ओके, w सराउंडिंग वो बराबर होगा बेटा p एटमॉस्फेरिक, यानी कि po इंटू v2 माइनस v1। तो पिस्टन ने ये वर्क सराउंडिंग पर किया, सराउंडिंग का वॉल्यूम v1 से v2 करने में। ठीक है, ओके, तो इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से सराउंडिंग पुश हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पुश हो जाएगी, करेक्ट। तो इसे कहते हैं w सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग वर्क ऑन सराउंडिंग। अब भैया देखते हैं टोटल यूजफुल वर्क, अब निकालेंगे हम यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क कितना होगा, कितना वर्क आपका होना चाहिए था, वर्क मेरा इतना होना चाहिए था w रिवर्सिबल, लेकिन इसमें से कुछ वर्क एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट खर्च हो गया, कितना? इतना। तो -w सराउंडिंग, करेक्ट। अब चूंकि यहां एक्सपेंशन हो रहा है तो ये होती है बेटा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये आप याद रखना बेटा। तो यूजफुल वर्क कैसे निकला बेटा? ऐसे निकला कि कितना वर्क मिलना चाहिए था जब v1 से v2 एक्सपेंड हुआ, w रिवर्सिबल, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन को मूव कराने में खर्च हो जाएगा, तो वो मैंने मान लिया w सराउंडिंग, और इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी, करेक्ट। याद रखना बेटा ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाएंगी। तो यूजफुल वर्क कितना होगा, रिवर्सिबल में से इतना घटा दीजिए तो वो यूजफुल हुआ, वो आप आगे कहीं यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो भैया यहां से एक बात क्लियरली समझ में आ गई है हमें कि यूजफुल वर्क जो है बेटा w रिवर्सिबल माइनस w सराउंडिंग है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए, फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस,
यानी कि जब कोई डिवाइस वर्क प्रोड्यूस कर रही होगी क्लोज सिस्टम में होगी तब आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा। यानी कि कोई डिवाइस है जो क्लोज सिस्टम है और वर्क प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर का, करेक्ट, तब जाकर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू सराउंडिंग। तो अगर मैं यूजफुल वर्क को डब्ल्यू यूज कह दूं, मान लीजिए ये इसकी टर्म है डब्ल्यू यूज इज इक्वल टू यूजफुल रिवर्सिबल वर्क माइनस सराउंडिंग वर्क, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई आपके, मैं इसे यहां थोड़ा साफ कर देता हूं। अब जो मैं बताने वाला हूं बेटा ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। तो किसी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए, वो डिवाइस जो वर्क प्रोड्यूस करती है पॉजिटिव वर्क देती है, उनके लिए देखना बेटा कि यूजफुल वर्क जो होगा वो छोटा होगा हमेशा किससे, रिवर्सिबल वर्क से, रिवर्सिबल वर्क से। ये बात याद रखना आप, ये स्टेटमेंट याद रखना कि किसी भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस से, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका सिस्टम है जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जब एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा, करेक्ट। तो भैया ये आपका यूजफुल वर्क जो होगा ये कम होगा इस रिवर्सिबल, क्योंकि इसमें से सराउंडिंग वर्क घटाना पड़ेगा, सराउंडिंग वर्क को घटाना पड़ेगा ना सीधा सीधा, हाँ। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर, ये तो हुआ बेटा एक्सपेंशन का केस, ये तो हमने कह दिया बेटा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, करेक्ट, ये तो मैंने कह दिया एक्सपेंशन हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं सेम कंडीशन है, क्लोज सिस्टम है लेकिन कंप्रेशन हो रहा है, तो इन केस ऑफ कंप्रेशन, अब कंप्रेशन का केस का मतलब यह हुआ कि पिस्टन इस पोजीशन से इस पर आ जाएगा, और ऐसे हालात में जब आपको कंप्रेशन कराना होता है तो क्या होता है बेटा, आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ता है, या कहूं कि जो सिस्टम होता है वर्क कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग, करेक्ट है ना। जब बेटा पिस्टन जो है इसके अंदर, मान लीजिए कोई गैस है, जब पिस्टन को ये गैस दबानी होगी तो हमें सराउंडिंग से वर्क इस पर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं, तो ये कहलाएगी आपकी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। अब वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए जो रिवर्सिबल वर्क होगा ये बेटा सराउंडिंग करेगी सिस्टम पर, करेक्ट। तो अब मैं निकालूंगा यहां से डब्ल्यू यूजफुल, आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू यूजफुल कितना होगा, देखिए जब आपका सराउंडिंग इस पिस्टन पर वर्क करेगी तब जाकर कंप्रेशन होगा, होगा या नहीं, तो बाहर से आपको वर्क सप्लाई कराना पड़ेगा ऐसे, तो ये रिवर्सिबल वर्क है तो अब क्या होगा, वो सराउंडिंग इस पिस्टन पर करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं डब्ल्यू यूजफुल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अब हम वर्क सिस्टम पर कर रहे हैं तो माइनस साइन इसलिए आया, ठीक है, सिस्टम पर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। दूसरा बेटा, अब देखिए कंप्रेशन के केस में, देखिए एक्सपेंशन के केस में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ा था, सराउंडिंग वाला, ये सराउंडिंग वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट, क्योंकि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा था सराउंडिंग पर, तो क्या हुआ था कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ा था इन केस ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन कंप्रेशन के केस में क्या होगा बेटा, सराउंडिंग वर्क करेगी सिस्टम पर, सराउंडिंग वर्क करेगी सिस्टम पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें मदद करेगा, उसमें मदद करेगा, और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या लिया है, पीओ। तो याद रखना बेटा यहां पर होगा, अब इसमें ऐड करेंगे क्या, माइनस डब्ल्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग, यानी कि अब क्या होगा, जब इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के केस में क्या हुआ कि सराउंडिंग ने सिस्टम पर रिवर्सिबल वर्क करा, और इसी के साथ साथ बेटा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मदद करेगा, ये मदद करेगा इस रिवर्सिबल वर्क की, यानी कि कंप्रेशन करने में एटमॉस्फेरिक भी मदद करेगा। तो बेटा ये दोनों माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू सराउंडिंग, डब्ल्यू सराउंडिंग, करेक्ट, ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में ये जो सराउंडिंग वर्क है ये रिवर्सिबल के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है,
सराउंडिंग से सिस्टम पर, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन के केस में क्या था कि जो रिवर्सिबल वर्क था उसकी डायरेक्शन थी सिस्टम टू सराउंडिंग, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन वही थी सराउंडिंग टू सिस्टम। तो यहां इसकी वजह, इसके अगेंस्ट अब जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका विरोध करेगा, लेकिन जब कोई चीज नीचे आएगी तो ये उसका साथ देगा। तो इस वजह से यहां ऐड आया। बेटा माइनस इसलिए आया है साइन यहां पर क्योंकि सारे वर्ग जो है वो सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पर, इसलिए यहां पे माइनस आया है, करेक्ट। तो ये माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि वर्क की डायरेक्शन क्या है, सराउंडिंग से सिस्टम पर। यहां पर माइनस नहीं था, यहां पर ये वाला वर्क जो था सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया था, लेकिन वहां पर बेटा सराउंडिंग वर्क जो है ये वाला माइनस हुआ था, ठीक है। यहां पर इसमें सराउंडिंग वर्क प्लस हुआ है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं बेटा, वैसे तो ये इक्वेशन याद रखना डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में, या ऐसी डिवाइस जो वर्क कंज्यूम करती है उनके केस में ये होगा, ये मैंने लिख दिया, करेक्ट, ये मैंने यहां पर लिख दिया, मैं इसे साफ कर रहा हूं यहां से। आई होप आपके टॉपिक समझ में आ रहा होगा बेटा इसमें। बेटा ओके सर, यस सर, कुछ लिख दीजिए। हाँ बेटा अभी बताएंगे, वी विल टॉक अबाउट ओपन सिस्टम आल्सो। अगर आपके समझ में आ गया हो बेटा तो ओके सर यस सर कुछ लिख दीजिए बेटा, ताकि मुझे पता चल जाए, प्लीज पता चलना बहुत जरूरी है कि समझ में आ रहा है या नहीं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप बेटा अभी। कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है सबके? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी बेटा। यस, डाउट पूछते चला करें, डाउट पूछते चले, क्योंकि आपकी ये क्लास जो है ये बेटा आपकी एक तरह से लाइव क्लास जरूर है, लेकिन इसमें आप सारे डाउट अपने पूछ सकते हैं। ओके, चलिए कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना कि जो यूजफुल वर्क है वो हमने दोनों केस में निकाल लिया, क्लोज सिस्टम का केस है उसमें हमने निकाल लिया कि आपका यूजफुल वर्क जो है वो आपका क्लोज सिस्टम के आपका वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में क्या होगा, ठीक है। ओके नाउ लुक एट हियर, तो अब मैं कह सकता हूं फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, फॉर वर्क सॉरी कंज्यूमिंग डिवाइस, प्रोड्यूसिंग का तो हो गया, कंज्यूमिंग डिवाइस, किसी भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के केस में क्या होगा, क्या होगा भैया, के यूजफुल वर्क जो है, यूजफुल वर्क जो है वो रिवर्सिबल वर्क से बड़ा होगा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए छोटा था, लेकिन वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए यूजफुल वर्क रिवर्सिबल वर्क से हमेशा बड़ा होगा। आपको ये याद रखना है बेटा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब मैं ऐसे बेटा मिटा देता हूं। अब मैं लूंगा बेटा ओपन सिस्टम का केस, ओपन सिस्टम, ये तो क्लोज सिस्टम का केस हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपन सिस्टम। कंक्लूजन निकल गया है बेटा, ठीक है। ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओपन सिस्टम। ओके ओपन सिस्टम की बात करते हैं, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है बेटा, अब मैंने ले लिया है, एन ओ इन एन ओपन सिस्टम, इन एन ओपन सिस्टम, ठीक बेटा। क्लोज सिस्टम में आपने नोटिस करा, जो क्लोज सिस्टम में बाउंड्री थी, बाउंड्री क्या होती है बेटा, सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करने वाला जो आपका एलिमेंट होता है उसे बाउंड्री कहते हैं, यानी कि बाउंड्री की मदद से सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग देखा जा सकता है। ओके तो बेटा ये जो इन एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम देखिए, क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्लोज सिस्टम में आप देख रहे थे पिस्टन नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था, तो आपके पास फ्लेक्सिबल बाउंड्री थी, कैसी थी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी ओपन सिस्टम की बात करूं, ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं टर्बाइन कंप्रेसर, क्या क्या एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम के, टर्बाइन, टर्बाइन कंप्रेसर,
ठीक है, पंप एटसेट्रा, ज्यादातर डिवाइस जो है थर्मोडायनेमिक डिवाइसेस जो है वो ओपन सिस्टम है, ठीक है ओके। अब इनके केस में क्या होता है बेटा, मान लीजिए टर्बाइन है, मान लीजिए दिस इज अ टर्बाइन, ये टर्बाइन, ठीक है। अब इनके केस में क्या होता है बेटा, आप जैसे वहां पर बाउंड्री लेते हैं ऐसे यहां पर कंट्रोल सरफेस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ओपन सिस्टम के केस में हम कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, ठीक है। तो कंट्रोल जो बेटा ओपन सिस्टम होता है उसमें हमारी जो अप्रोच होती है किसी भी एनालिसिस को करने की वो कंट्रोल वॉल्यूम होती है, होती है या नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है बेटा वॉल्यूम फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका मतलब होता है फिक्स्ड वॉल्यूम। और बेटा फिक्स्ड वॉल्यूम के केस में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। फिक्स्ड वॉल्यूम के केस में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है बेटा, जीरो। और जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो सराउंडिंग वर्क कितना होगा, डब्ल्यू सराउंडिंग, जीरो। जब सराउंडिंग का वॉल्यूम वी वन से वी टू या वी टू से वी वन नहीं होगा तब तक बेटा कैसे आप निकालोगे सराउंडिंग वर्क, नहीं नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो सराउंडिंग वर्क था अगर आपको याद हो, सराउंडिंग वर्क था बेटा एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ओ इंटू वी टू माइनस वी वन, याद है, यानी कि आपका कितना वॉल्यूम पुश हुआ जब पिस्टन ऊपर गया एक्सपेंशन के केस में, तो कितना वॉल्यूम पुश हुआ सराउंडिंग का, इतना वॉल्यूम पुश हुआ ना, वी टू माइनस वी वन, करेक्ट। तो जब चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है तो सराउंडिंग का वर्क कितना होगा बेटा, जीरो, कितना होगा, जीरो। तो भैया सीधी सी बात है, इन एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के केस में यूजफुल जो वर्क होगा वो बराबर होगा जितना रिवर्सिबल वर्क होगा, दैट्स इट, जितना रिवर्सिबल वर्क होगा, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ओपन सिस्टम के केस में जो यूजफुल वर्क होगा वो रिवर्सिबल वर्क के बराबर होगा, आपको ये बताऊं, करेक्ट, दैट्स इट। तो हमारे पास तीन केस आ गए, पहला केस कि डब्ल्यू यूजफुल, ये पहला केस है, डब्ल्यू यूजफुल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा, इसके आगे दो चीजें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एक तो ये लिखेंगे कि क्लोज सिस्टम का केस है, और दूसरा लिखेंगे वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, या लिखोगे कंप्रेशन, करेक्ट। तो जब आपका सराउंडिंग वर्क, सॉरी यूजफुल वर्क रिवर्सिबल वर्क से बड़ा होगा तो आप लिखेंगे ये क्लोज सिस्टम है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है या कंप्रेशन प्रोसेस, करेक्ट। दूसरा केस क्या होगा आपका, बी, वो होगा आपका यूजफुल वर्क लेस देन होगा रिवर्सिबल वर्क से, होगा या नहीं, लेस देन, दूसरा केस ये हुआ। तो यहां पर आप लिखोगे क्लोज सिस्टम, क्या क्या है इसकी कंडीशन, क्लोज सिस्टम, ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, एंड फाइनली क्या, फाइनली एक्सपेंशन, याद रखना है डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में एक्सपेंशन, ठीक है। और लास्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी, तीसरा केस क्या हो सकता है, इधर देखते हैं, तीसरा जो केस होगा हमारा सी, दैट विल बी यूजफुल वर्क, जो हमारा यूजफुल वर्क है दैट इज इक्वल्स टू रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क। तो इसके आगे सिर्फ एक वर्ड लिखना है, दैट इज ओपन सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम। ये तीन केस बने, ये तीनों केस मैंने आपको समझा दिए, ये तीन केस बने, ओके, ठीक,
ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे हैं बेटा कि ये सारे जो केस हमने समझे, इन्हें साफ कर रहा हूं मैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, कभी कभार बेटा इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, ये जो तीन लाइनें मैंने लिखवाई इनमें से ही आ जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये समझ जाइए बेटा कि ये जो हमने केसेस स्टडी किए, ये तो भैया किसके लिए थे, ये थे रिवर्सिबल वर्क के लिए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर इररिवर्सिबिलिटी या इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इररिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, आपको पता है बेटा अगर इररिवर्सिबिलिटी है, अगर इररिवर्सिबिलिटी है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन ड्यूरिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ऑलवेज लेस देन वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। पहली चीज तो आपको यह याद रखनी है कि इररिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान किया गया वर्क कम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान किए गए वर्क से। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी तरह की इररिवर्सिबिलिटी नहीं मानी जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फ्रिक्शन ले लेते, रिवर्सिबल केस में फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि इररिवर्सिबल केस में हमें फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, विच इज एन इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी। तो जो इररिवर्सिबिलिटी के केस है उसमें जब हम फ्रिक्शन लेंगे तो बेटा जो टोटल वर्क होगा उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा फ्रिक्शन द्वारा लॉस्ट हो जाएगा, 100% फ्रिक्शन द्वारा लॉस हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज इररिवर्सिबिलिटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि इररिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इररिवर्सिबिलिटी जिसे मैं आई कहता हूं, आई क्या होती है, क्या होती है, तो बहुत ही आसान है बेटा, आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है बेटा, सिर्फ एक ही चीज बतानी है और वो है कि वर्क रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर वो, अगर जो गिवन प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो कितना वर्क था, माइनस जब रिवर्स, जब आपका गिवन प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो वर्क कितना है, इनके डिफरेंस को, इनके डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, इररिवर्सिबिलिटी, क्या कहते हैं, इररिवर्सिबिलिटी। ओके, ठीक है बेटा। जनरली आपको पता है रिवर्सिबल वर्क जो होता है, रिवर्सिबल वर्क वो आप पीडीवी वर्क से देते हैं, किससे देते हैं, पीडीवी वर्क। रिवर्सिबल वर्क जनरली क्या कहलाता है बेटा, आपका पीडीवी वर्क कहलाता है या नहीं, पीडीवी वर्क, करेक्ट, हाँ पीडीवी वर्क। तो रिवर्सिबल वर्क ये हो गया, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है कि जो रिवर्सिबल वर्क है वो मैक्सिमम ऑप्टेनेबल वर्क है या मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है। मैं लिख देता हूं यहां से, रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो होता है मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड, विच इज कन्वर्टेड इंटू वर्क, इंटू वर्क। ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ बेटा, रिवर्सिबल वर्क वो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क में, मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा, ठीक है। और जो डब्ल्यू इररिवर्सिबल है, यानी कि जो इररिवर्सिबिलिटी के दौरान वर्क है, वो एक्चुअली कहलाता है एक्चुअल वर्क, क्या कहलाता है, एक्चुअल वर्क। इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वर्क। ये एक्चुअल है, इसमें सारी इररिवर्सिबिलिटी जो होंगी कंसिडर की जाएंगी, जैसे कि फ्रिक्शन, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, तो ये जो एक्चुअल वर्क है तो इसे मैं ये भी कह सकता हूं, दिस इज एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी, एक्चुअल अवेलेबल, एक्चुअल मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इंटू वर्क, ठीक है। दोनों के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए बेटा, दोनों के,
जो रिवर्सिबल वर्क है वो है मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और जो डब्ल्यू इरिवर्सिबल है वो है एक्चुअल मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। एक्चुअल में रिवर्सिबिलिटी को इरिवर्सिबिलिटी को काउंट करके उन्हें कंसीडर करके, तो एक्चुअल मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, ओके। अब यहां से एक बात समझ लीजिए आप, यहां से एक चीज समझ लीजिए आप कि इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी। इरिवर्सिबिलिटी बेटा इसे तो मैं कह देता हूं, इसे मैं कह देता हूं डब्ल्यू मैक्स रिवर्सिबल, इसे मैंने कह दिया डब्ल्यू मैक्स रिवर्सिबल, और इसे मैंने कह दिया डब्ल्यू एक्चुअल, डब्ल्यू एक्चुअल इसे मैंने ये कह दिया, करेक्ट। ठीक है, तो बेटा इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखना, ऐसे भी दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, डब्ल्यू मैक्स रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल, डब्ल्यू एक्चुअल। अब आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, आपको पता है रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। अब डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या बेटा, जब कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है तो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी कितनी है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, करेक्ट। और इन डब्ल्यू इरिवर्सिबिलिटी क्या है बेटा, डब्ल्यू IRR क्या है ये बेटा, ये है इन एक्चुअल कंडीशन, यानी कि जब इरिवर्सिबिलिटी आप काउंट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी अवेलेबल है वर्क में कन्वर्ट होने के लिए। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं, ठीक है। अब आपको पता है इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इज नोन एज एक्सर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्सर्जी। मैंने बताया था आपको मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्सर्जी, और इसमें से घटा दो बेटा एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी, एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी, ये करेक्ट। तो इरिवर्सिबिलिटी डिफाइन की जा सकती है बेटा तीन तरीके से, तीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है किस किस तरीके से, तीन तरीके। सबसे पहले हमने देखा कि वर्क रिवर्सिबल माइनस वर्क इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबिलिटी होती है। फिर हमने देखा मैक्सिमम, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू वर्क माइनस एक्चुअली मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू वर्क। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी इन केस ऑफ रिवर्सिबल केस, यानी कि जनरली जो टोटल मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकती है उसे एक्सर्जी कहते हैं, माइनस एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी, एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी जब इरिवर्सिबिलिटी काउंट करें। इन तीन तरीके से आप बेटा डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो बेटा तो एक बार यस सर, ओके सर या थम्स अप का साइन कुछ भेज दीजिए ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, ओके, यस आ गया बेटा समझ में, एक बार जरा भेज दीजिए बेटा, यस यस बेटा बता दीजिए, ठीक है, ओके बता दीजिए आप, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, एक दो लाइन और रह गई हैं, ठीक है। तो आई एक्चुअली है क्या, आई एक तरह से बेटा लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी किसकी वजह से, इरिवर्सिबिलिटी आ जाने की वजह से, ठीक है। अब एक्चुअल केस में रिवर्सिबिलिटी तो होती ही है, ये तो बेटा थियोरेटिकल केस है, एक्चुअल केस तो यही होगा, इरिवर्सिबिलिटी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो बेटा आई को मैं लिख सकता हूं वर्क आइडियल माइनस डब्ल्यू वर्क एक्चुअल, ऐसे भी लिख सकता हूं वर्क आइडियल वर्क एक्चुअल, ठीक है, वर्क एक्चुअल, वर्क एक्चुअल, समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भैया सीधा सीधा एक कंसेप्ट जो मैंने आपको आज बताना था, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी या कहूं यूजफुल वर्क का आपको आज कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देख लिया व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। याद रखना बेटा ये टॉपिक नया है आप लोगों के लिए, आप जल्दी से नहीं पढ़ते और कुछ बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, तो इसकी दोनों वीडियो, पहली और जो आज की वीडियो है, उन दोनों को मिलाकर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।